हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सबसे पहले तो आप सभी का माय साइंस एकेडमी पर स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट क्या होता है, इसका स्थायित्व किस प्रकार होता है, इनएक्टिव होता है या एक्टिव होता है, ठीक है? इसके बाद हम चलते हैं सेकंड इंटरमीडिएट कार्ब एनायन की तरफ। तो दोस्तों, हम आज के वीडियो में कार्ब एनायन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर देखते हैं, सेकंड इंटरमीडिएट है अपना कार्ब एनायन। कार्ब एनायन, ठीक है दोस्तों? ये सेकेंड प्रकार का इंटरमीडिएट है। तो सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि कार्ब एनायन स्पीसीज होती क्या है, ठीक है दोस्तों? किस प्रकार के, होमोलाइसिस क्लीवेज से बनती है या हेट्रोलाइसिस क्लीवेज से बनती है? तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर एक कंपाउंड लेते हैं, सी सिंगल बॉन्ड ए, ठीक है? यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसे बोलता हूँ सी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है? तो मैं कह सकता हूँ कि सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है किसकी तुलना में, ए की तुलना में, ठीक है? तो इस बॉन्ड का हेट्रोलाइसिस क्लीवेज करूँगा, तो ये बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की ओर आकर्षित होंगे जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है। तो जैसे ही इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चले जाएंगे, इस कार्बन परमाणु पर, ठीक है? तो इस पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव और इस पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव। तो इससे क्या बनेंगे, ये बनेगा कार्बन नेगेटिव और ये बनेगा ए पॉजिटिव, ठीक है? तो इसे ही बोलते हैं हम कार्ब एनायन, ठीक है? कहने का मतलब, जब किन्हीं दो परमाणुओं को एक सहसंयोजक बंध के द्वारा जोड़ दिया जाए जिसमें कार्बन की विद्युत ऋणता जुड़ने वाले परमाणु की तुलना में अधिक हो, तो सांझे के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु की ओर अभिविन्यासित हो जाते हैं, जिसके कारण हमें ऋणावेशित कार्बन परमाणु प्राप्त होता है। ऐसी स्पीसीज ही कार्ब एनायन कहलाती है। या आप ये भी कह सकते हो कि ऐसा ऋणावेशित कार्बन परमाणु जिसकी संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कार्ब एनायन कहलाता है, ठीक है दोस्तों? अब बात आती है कि कार्ब एनायन, जैसे हम बात करें इस मिथाइल कार्ब एनायन की, तो यहाँ पर क्या होता है, तीन तो CH बॉन्ड होते हैं इसके पास, और एक होता है लोन पेयर, ठीक है? तो ये क्या होता है, कार्ब एनायन। यदि हम कार्ब एनायन में कार्बन परमाणु की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो इसमें होता है sp3, ठीक है? ज्यामिति होती है इसकी, ज्यामिति की बात करें तो इसकी होती है पिरामिडीय, ठीक है? तो ये था कार्ब एनायन का फॉर्मेशन। हम कह सकते हैं कि सहसंयोजक बंध के विषमांश विखंडन द्वारा कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? यहाँ तक। इसके बाद हम कार्ब एनायन के कुछ पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो यदि हम बात करें इस कार्ब एनायन की, तो हम कह सकते हैं कि कार्ब एनायन में कार्बन परमाणु का, जो कार्बन परमाणु है
उसका अष्टक पूर्ण होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना। कार्ब एनायन में कार्बन परमाणु का क्या होता है? अष्टक पूर्ण होता है, ठीक है। सेकंड बात करें हम तो कार्ब एनायन में कार्बन परमाणु sp3 संकरण अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। कोई सा भी कार्ब एनायन हो उसमें कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था क्या होगी? sp3 होगी। sp3 होने के कारण कार्ब एनायन की ज्यामिति है वो ns3 की भांति पिरामिडीय होती है, पिरामिडीय होती है। तो ये पॉइंट थे, ठीक है। सबसे पहले क्या बताना है कि कार्ब एनायन में जो कार्बन परमाणु है उसका अष्टक पूर्ण होता है। सेकंड पॉइंट हम कह सकते हैं कि जो कार्ब एनायन में कार्बन परमाणु है वो sp3 संकरण अवस्था में पाया जाता है, जिसके कारण इसकी ज्यामिति ns3 की भांति पिरामिडीय होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसके बाद हैं कार्ब एनायन के टाइप। तो यहां पर देखते हैं हम टाइप्स ऑफ कार्ब एनायन। कहने का मतलब कार्ब एनायन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनरली हम देखें तो कार्ब एनायन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप है प्राथमिक कार्ब एनायन। ठीक है, इसे बोलते हैं 1° कार्ब एनायन। तो कहने का मतलब प्राथमिक कार्ब एनायन उसे कहते हैं जिसमें ऋणावेशित कार्बन परमाणु प्राइमरी कार्बन पर उपस्थित होता है, उसे हम प्राथमिक कार्ब एनायन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये मिथाइल कार्ब एनायन है, ये क्या है? ये प्राइमरी कार्ब एनायन है। यदि बात करें हम इथाइल कार्ब एनायन की तो ये भी क्या है? एक प्राइमरी कार्ब एनायन है। ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज जिस कार्बन पर उपस्थित है ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है वो ही क्या कहलाता है? डिग्री कार्ब एनायन। तो ये 1 से जुड़ा है तो इसे हम क्या कहेंगे? 1° कार्ब एनायन, ठीक है। इसके बाद हम बात करें सेकंड टाइप की, तो सेकंड होता है द्वितीयक कार्ब एनायन। इसमें जो ऋणावेशित चार्ज होता है वो द्वितीयक कार्बन पर उपस्थित होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें CH3CH-CH3, ठीक है। यहाँ पर देखो, जो ये नेगेटिव चार्ज है ये क्या कर रहा है? ये जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन अन्य कितने से जुड़ा है? एक तो ये वाला रहा और एक ये वाला, तो हम कह सकते हैं ये क्या है? 2° कार्ब एनायन। यदि बात करें हम इसको, इस कंपाउंड द्वारा भी क्या किया जा सकता है? रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड टाइप की बात करें तो तीसरा टाइप है तृतीयक कार्ब एनायन। तृतीयक कार्ब एनायन में जो ऋणावेशित चार्ज है वो तृतीयक कार्बन पर उपस्थित होता है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसे बोलते हैं
तृतीयक ब्यूटिल कार्ब एनायन। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन परमाणु एक इससे मिलकर, एक इससे लिंक है और एक इससे, तो हम कह सकते हैं इसे क्या कहेंगे, 3 डिग्री कार्ब एनायन। ठीक है, इसे हम इस कंपाउंड के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये थे कार्ब एनायन के टाइप। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक कार्बन, जिसमें ऋणावेशित चार्ज प्राथमिक कार्बन पर प्रेजेंट होता है, एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप है द्वितीयक कार्ब एनायन। द्वितीयक कार्बन, कार्ब एनायन में जो ऋणावेशित चार्ज होता है वो सेकेंडरी कार्ब एनायन पर प्रेजेंट होता है, एग्जांपल देख सकते हैं। तृतीयक कार्ब एनायन की बात करें तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो तृतीयक कार्बन पर उपस्थित होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी की। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम, अगला टॉपिक है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। ठीक है, यदि हम बात करें कि कार्ब एनायन के स्थायित्व के बारे में, तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड या प्राइमरी कार्ब एनायन, सेकेंडरी कार्ब एनायन या टर्शरी कार्ब एनायन में जो मोर स्टेबल होता है वो कौन सा होता है, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो बात करें हम कार्ब एनायन के स्थायित्व को, 2 फैक्टर प्रभावित करते हैं। पहला फैक्टर है हमारे पास प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, सेकंड फैक्टर है अतिसंयुग्मन प्रभाव, इसे बोलते हैं हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, तो ये 2 प्रभाव हैं जो कार्ब एनायन की स्थायित्व क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो कार्ब एनायन का स्थायित्व का क्रम है वो प्रेरणिक प्रभाव और अतिसंयुग्मन प्रभाव पर ही क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, यदि हम बात करें कार्ब एनायन के स्थायित्व क्रम की, स्थायित्व क्रम की, तो ये होता है 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। ठीक है, जबकि हम कार्बोकैटाइन में क्या देखते हैं कि जो कार्बोकैटाइन का स्थायित्व क्रम है वो जस्ट कार्ब एनायन के क्या होता है, विपरीत होता है। किस प्रकार से, इधर देखिएगा, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम। यहाँ पर पहला इफेक्ट समझते हैं, हमारे पास कंपाउंड है CH3 मिथाइल कार्ब एनायन, इथाइल कार्ब एनायन आइसोप्रोपिल कार्ब एनायन, तृतीयक ब्यूटिल कार्ब एनायन। ठीक है, ये हमें कार्ब एनायन दिए गए हैं, हमें इनके स्टेबिलिटी का क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। तो यहां पर देखिएगा, हमारे पास ये है मिथाइल कार्ब एनायन है, इसमें कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब बात करें हम इस इथाइल कार्ब एनायन की,
तो यहाँ पर एक मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है। इस मिथाइल समूह का क्या लगेगा? इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, तो ये क्या करेगा? प्लस आई इफेक्ट प्रदर्शित करेगा। जैसे ही इस नेगेटिव कार्बन पर प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है, तो ये और भी क्या कर देगा? इसकी इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। यदि इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है तो इसका स्थायित्व क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, सेकंड की बात करें तो यहाँ पर दो मिथाइल समूह हैं, तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट क्या लगेगा? इसकी तुलना में अधिक लगेगा, तो और भी इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर तीन मिथाइल समूह है, तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर क्या लगेगा? मैक्सिमम, जिसके कारण जो आवेश घनत्व है वो ऋणावेशित कार्बन पर मैक्सिमम हो जाता है, जिसके कारण स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाती है। अब यदि हम बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि हम मिथाइल से टर्सरी ब्यूटाइल कार्ब एनायन की तरफ जाते हैं तो स्थायित्व का क्रम घटता हुआ प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि ये जो एल्किल समूह है इसमें एल्किल समूहों का जो प्लस आई इफेक्ट है उसके कारण ये जो ऋणावेशित कार्बन परमाणु है इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व या आवेश घनत्व का मान क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, जिसके कारण ही इनका स्थायित्व क्रम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। तो यहाँ पर क्या होगी? ये मिथाइल समूह क्या करेगा? प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और यहां पर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा और स्टेबिलिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, कम हो जाएगी। यहां पर दो मिथाइल समूह हैं, तो ये भी क्या करेंगे? दोनों के दोनों प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, तो यहां पर भी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन घनत्व इसकी तुलना में अधिक हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी तुलना में कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मोर स्टेबल क्या होगा? ये होगा, उसके बाद ये वाला, और अदर देन ये वाला। ठीक है, ये बता सकते हैं। तो ये था आपका कार्ब एनायन का स्थायित्व क्रम। ठीक है, इस यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो स्टेबिलिटी है कार्ब एनायन की वो प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के। ठीक है, जबकि स्टेबिलिटी व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/+I इफेक्ट के। ठीक है, ये कह सकते हैं। कहने का मतलब यदि जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और स्टेबिलिटी को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद हम देखते हैं कार्ब एनायन में रेजोनेंस, जैसे यहां पर बात करें बेंजाइल कार्ब एनायन की, तो इसमें क्या होगा? ये जो नेगेटिव पार्ट है ये रेजोनेंस में क्या लेगा? भाग लेगा। तो किस प्रकार से लेगा? जैसे ये नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेगा तो यहां पर किसका निर्माण हो जाएगा? डबल बॉन्ड का हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड माइग्रेट होकर कहां पर आ जाएगा? इस कार्बन पर आ जाएगा। ठीक है, तो रेजोनेंस क्या बनेगी? यहां पर देखिएगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी हमारी ये वाली। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और ये सेम ऐसे कैसे। ठीक है, इसके बाद ये नेगेटिव चार्ज वापस से डबल बॉन्ड में भाग लेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर माइग्रेट कर जाएगा। नेगेटिव चार्ज अब यहाँ पर आएगा तो
नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनती है हमारी नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड ये वाली बनेगी, ठीक है। इसके बाद ये नेगेटिव पार्ट वापस ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेगा और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज अब कहाँ पर आएगा, इस ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है। ये अपने पास डबल बॉन्ड था, जैसे ये नेगेटिव चार्ज वापस से यहाँ पर भाग लेगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी रेजोनेंस हो गई। यदि मैं बात करूँ वाइनिल कार्ब एनायन की, ठीक है, ये क्या है एलिलिक कार्ब एनायन, तो इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करूं तो कौन सा होगा, बेंजाइल कार्ब एनायन अधिक स्थायी होगा किसकी तुलना में, इस एलिलिक कार्ब एनायन की तुलना में। क्यों? क्योंकि यहां पर इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिए तो ये डबल बॉन्ड यहां पर माइग्रेट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, तो क्या बनी यहां पर, ये वाली स्ट्रक्चर बनी कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर तो इस कंपाउंड की दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती हैं और यहाँ पर बनती हैं पांच रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो किसी भी कंपाउंड की जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होंगी वह कंपाउंड उतना ही अधिक स्थायी होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बेंजाइल कार्ब एनायन का स्थायित्व अधिक होगा एलिल कार्ब एनायन की तुलना में, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ कार्ब एनायन। कहने का मतलब कि कार्ब एनायन को किन किन प्रोसेस या मेथड के द्वारा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों हम एक से अधिक प्रकार के प्रक्रमों के द्वारा हम कार्ब एनायन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। पहला है हमारा कार्बोनाइल या कार्बोनिल समूह युक्त यौगिकों के द्वारा। कहने का मतलब ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए जिसके पास अम्लीय H उपस्थित हो, वो कार्बोनाइल कंपाउंड कार्ब एनायन का फॉर्मेशन करता है। किस प्रकार से, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। इसे बोलते हैं एसीटेल्डिहाइड, ठीक है। इसके पास देखो कि ये वाला क्या हुआ, ये कार्बोनिल कंपाउंड और ये क्या है अल्फा एच, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं बेस की प्रेजेंस में तो बेस क्या करता है H प्लस को क्या करता है अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जैसे ही ये H प्लस के रूम में निकलेगा तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 नेगेटिव सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये क्या बन गया कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर इस कंपाउंड में ये क्या है इनोलेट फॉर्म हो सकती है, ये क्या करेगा रेजोनेंस कर लेगा और सेकेंड कंपाउंड क्या बना लेगा ये वाला बना लेगा CH2 डबल बॉन्ड सी, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये एच, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कार्ब एनायन का क्या कर सकते हैं फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकेंड देखिए हम, तो सेकेंड है वी कार्बोक्सिलीकरण से विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा भी हम कार्ब एनायन का क्या कर सकते हैं फॉर्मेशन कर सकते हैं। किस प्रकार से, यदि यहाँ पर हम लेते हैं, ठीक है, कोई भी एसिड ले लिया तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन करवाते हैं
कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH, ठीक है, इसे बोलते हैं सोडा लाइम। ये डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, उपयुक्त होता है। तो यहां पर हमें प्राप्त होता है एसीटेट आयन, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या आ जाते हैं, इस आर पर आ जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ये क्या बनता है, आर नेगेटिव, और यहाँ पर CO2 गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया बताओ, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो गया। तो इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड टाइप देखें हम तो एल्किल हैलाइडों के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे यहां पर RX है, ये क्या है, एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन में मैग्नीशियम मेटल के साथ करवाऊं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें यहां पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड कंपाउंड प्राप्त होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार अभिकर्मक। तो यहां पर देखिए तो ये वाला स्पीशीज क्या होती है, पॉजिटिव, और ये वाली क्या होती है, नेगेटिव। तो ये भी क्या है, एक कार्ब एनायन का ही फॉर्मेशन होता है। तो इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, कार्ब एनायन, ठीक है। इन तीनों मेथडों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसके बाद देखें यदि हम जनरली बात करें कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी के बारे में तो सबसे पहले इधर देखो दोस्तों, यहां पर मैं आपको स्टेबिलिटी बताऊंगा किस प्रकार से। सबसे पहले तो आप कोई भी कंपाउंड दिया हो उसकी एरोमेटिसिटी चेक करेंगे, तो ठीक है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, एरोमेटिक। यदि सभी कंपाउंड एरोमेटिक हैं, उसके बाद हाफ स्टेप बाय स्टेप इफेक्ट को क्या कीजिए, प्रदर्शित कीजिए, तो उसके बाद स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। उसके उससे थोड़ा कम होता है माइनस एच इफेक्ट, और उससे कम होता है माइनस आई इफेक्ट। तो ये तीनों इफेक्ट हैं, ये कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझिएगा, यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड है ये, ठीक है, सेकंड है ये वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि ये क्या करेगा, माइनस माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, लेकिन यहां पर माइनस आई इफेक्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, मेटा पोजीशन है, और ये क्या है, पैरा पोजीशन है। तो एम इफेक्ट या एच इफेक्ट ये क्या करेंगे, ऑर्थो और पैरा पर ही क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। यदि हम बात करें एक कंपाउंड ये है
और एक कंपाउंड ये है। इन दोनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो क्या होगा, यहाँ पर देखो दोनों में एरोमेटिसिटी क्या है, समान है, लेकिन उसके बाद चेक करेंगे कि इस पर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, ये माइनस आई इफेक्ट वाला समूह जुड़ा हुआ है और इस पर कोई भी समूह उपस्थित नहीं है, तो हम देखेंगे कि माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज आर स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला कंपाउंड क्या होगा, अधिक स्थायी होगा, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, ठीक है। इसके बाद और एग्जांपल देखें तो यहां पर ये कंपाउंड है, ठीक है। यदि इन दोनों कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा कि ये दोनों समान है लेकिन इस पर एक NO2 समूह जुड़ा हुआ है तो इसका माइनस आई इफेक्ट होगा, जबकि यहाँ पर दो NO2 समूह जुड़े हुए हैं तो इसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, अधिक होएगा। तो हम कह सकते हैं ये क्या होगा, अधिक स्टेबल होगा इस कंपाउंड की तुलना में, ठीक है। इसके बाद और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद यदि हम एग्जाम्पल देखें तो ये है, ठीक है, ये है, ये दोनों कंपाउंड है। इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर क्या है, बेंजाइल कार्बेनायन, ये नेगेटिव चार्ज क्या लेगा, रेजोनेंस में भाग लेगा, अनुनाद होगी तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। इसी प्रकार लास्ट एग्जांपल देख सकते हैं, इंपोर्टेंट एग्जांपल है ये एग्जाम की और से, यहां पर देखिएगा ये अपने पास कंपाउंड दिए गए हैं, इनमें हमें बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। यदि यहां पर मैं इनकी नंबरिंग कर दूं 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, तो सबसे ज्यादा इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, यहां पर देखिएगा ये भी एल्किल समूह है, ये भी, ठीक है, ये सभी, जबकि इसमें क्या जुड़ा हुआ है, फिनाइल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद देखें तो ये भी क्या है, एक एलाइल कार्बेनायन है, इसमें भी क्या पाया जाएगा, रेजोनेंस पाया जाएगा, तो ये क्या होगा, इसकी बाद स्टेबल ये वाला होगा, कौन सा, 6 नंबर का। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ये मेथिल कार्बेनायन है और इनके पास क्या जुड़ा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, स्टेबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो उसके बाद सेकेंड नंबर होगा, उसके बाद बात करें तो फोर्थ नंबर होगा, थर्ड होगा और फिफ्थ होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है, आपके सिलेबस में कार्बोकैटायन का मेंशन या कार्बेनायन का मेंशन यहीं तक किया गया है। यदि एग्जाम में पूछा जाए तो आप यहाँ तक आप क्या कर सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।